Impressive. Excellent work. Not a problem. सो गाइस, आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस बार किन किन बंदों ने रॉयल पास खरीदा है? देखो मैंने तो पहले ही उसी खर्च कर दिए थे बैन की खबर सुनते ही, लेकिन स्टिल अभी भी पबजी बैन नहीं हुआ। और मैं जो आपको न्यूज़ देने वाला हूँ इस वीडियो में, वो न्यूज़ सुन के आप तो पागल ही हो जाओगे। मैंने भी जब इस न्यूज़ को देखा था मुझे शॉक सा लग गया, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो भाई सुनो, टेंशन कंपनी चाइना को छोड़ रहा है। किस वजह से छोड़ रहा है? पबजी मोबाइल के वजह से, जो कि हम लोगों के इंडिया में बैन हो चुका है। और हाल फिलहाल में खबर आया है अमेरिका भी इस कंपनी को वहाँ से बैन करने वाला है। मतलब सोच रहे हो, चाइना का सबसे बड़ा कंपनी टेंसेंट जो कि चाइना को छोड़ रहा है, मतलब इंडिया वालों ने चाइना को तो हिला के रख दिया। आगे की बात यह है, टेंसेंट चाइना से शिफ्ट होने वाला है सिंगापुर में, और टेंसेंट के जो भी सर्वर वगैरह चाइना में मौजूद है वो भी सिंगापुर में शिफ्ट होने वाला है। अब बात आता है, क्या हमारा पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन हो जाएगा? क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट को प्रॉब्लम था हमारा डाटा चाइना में स्टोर ना हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके स्टोर हो जाए उससे इंडिया गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से टेंशन हम लोगों का डाटा सिंगापुर में जाके स्टोर करेगा। ये सब होने के बाद क्या पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखो अगर मैं बताऊँ, आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ गाइस, फिर भी पबजी मोबाइल अनबैन नहीं होगा, क्योंकि टेंशन का जो भी ओनर है वो तो चाइना का ही रहेगा ना। उस कंपनी में जो लोग भी काम करेगा वो भी तो चाइना का ही रहेगा ना। अब क्या पता डेटा वगैरह देने पे वो लोग मजबूर हो जाए, इसी वजह से पबजी मोबाइल अनबैन नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल कह रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो गाइस, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा था वैसे चलने दो। मतलब इंडियन वर्जन बस आने ही वाला है। इंडिया गवर्नमेंट ने 70 क्वेश्चन का आंसर पूछा है, और 3 वीक्स के अंदर ही अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा पबजी कॉरपोरेशन को। और जैसे ही वो लोग दे देते हैं और ये प्रूफ कर देता है कि हम लोगों का डेटा और चाइना में नहीं जाएगा, और इंडिया के कंपनी से हाथ मिला के ये गेम को फिर से लॉन्च किया जाएगा। और एक डेट सामने निकल के आ रहा है जो कि है 24th October, उसी दिन प्ले स्टोर में हम लोगों का पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन देखने को मिल जाएगा। अभी इस वर्जन में कोई भी रॉयल पास वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वैसे चल रहा है गेम, जैसे तैसे चला लो। अब बात करते हैं थोड़ा अपने बारे में, क्या मैं अब से गेम प्ले वीडियो वगैरह डालूं या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आऊं? ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि गेम प्ले वगैरह में आप इतना सपोर्ट नहीं दिखाते, इसीलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी पता चले, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।